स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि जैसे एक क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन मॉड एक्स इंटू कॉस पाई एक्स डी एक्स, माइनस वन टू वन मॉड के अंदर एक्स इंटू कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, तो सबसे पहले माइनस ए टू ए दिया रहता है तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक कर लिया जाता है। अब बताओ कि अगर इस एफ एक्स में हम लोग माइनस एफ एक्स निकाल के चेक करें कि एफ ऑफ एक्स तो तुम्हारा क्या है, मॉड ऑफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो इसके अंदर अगर हम माइनस डालेंगे भी तो क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा, बोलिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि माइनस तो मॉड का, मॉड के अंदर आप माइनस एक्स लिखो चाहे एक्स लिखो, बात एक ही ना है। मॉड के अंदर आप माइनस एक्स लिखो चाहे एक्स ही लिखो, क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं समझे बात को। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि मॉड के अंदर माइनस टू रहे चाहे टू रहे, उसका मॉडुलस तो बराबर ही आना है। तो आप मॉड के अंदर से माइनस गायब कभी भी कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखे वो इनटू में होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब वो माइनस गायब हो सकता है, आप माइनस नहीं भी गायब करोगे ना तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये है तो यूज कर लो प्रॉपर्टी। तो अब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ गया, इसका मतलब दिस इज इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में आपको क्या लिखवाया गया था बताइए, कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू, नहीं बोल रहे हैं आप, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स, टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, और अगर ऑड फंक्शन होता है यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे अगर बाहर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो ये जीरो हो जाता है। और नॉर्मल तो हम लोग हमेशा ये लिख सकते हैं क्या, तो जीरो टू ए फिर एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बेसिक चीज़ है, ये हमेशा यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो टू वन और मॉड एक्स इंटू कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ मॉड को ब्रेक करना है तो मॉड के अंदर ये जो जीरो टू वन लिखा है उसमें ये एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मॉड ऑफ पॉजिटिव है, बस कॉस पाई एक्स को चेक करने की जरूरत है। तो एक्स का वैल्यू हमको दिया है जीरो से लेके वन तक, तो पाई एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेके पाई तक। अब जीरो से लेके पाई तक में आप देखो कि कॉस के साथ क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों भी है, और अगर हम पाई तक जाते हैं जीरो से लेके तो कॉस पाई एक्स पॉजिटिव भी है और कॉस नेगेटिव भी है, सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, मॉड को ओपन तो नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो लिमिट को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, किस पे। ये अगर तुम जरा सोचो कि अगर यहाँ पे वन बाई टू होता तो ये पाई बाई टू तक जाता, और पाई बाई टू तक जाता तो यही ना पाई बाई टू हुआ करता। आपको वैसे भी बताया हुआ है कि पाई एक्स कॉस पाई एक्स का ग्राफ खींचना है तो पाई से डिवाइड कर दो, तो पाई से जब डिवाइड करोगे तो ये पाई बाई टू था तो ये वन बाई टू आ गया, यानी कि वन बाई टू पे ब्रेक होगा, इसको पाई से डिवाइड कर दो ये वन, याद है कुछ कि कॉस टू एक्स का ग्राफ बनाना है तुम्हें तो कॉस का ही ग्राफ बनाओ, लेकिन हर एक पॉइंट को क्या कर दो, टू से
डिवाइड कर दो, ये पाई बाई टू है तो ये पाई लिख दो, सॉरी पाई बाई फोर हो जाएगा, ये पहले से क्या था पाई था तो ये पाई बाई टू हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये पॉइंट का नाम हो गया वन बाई टू और ये हो गया वन, तो वन बाई टू पर हमें ब्रेक करना चाहिए क्योंकि वन बाई टू के पहले ग्राफ ऊपर है और वन बाई टू के बाद ग्राफ नीचे है, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से हाफ मॉड एक्स कॉस पाई एक्स और प्लस इंटीग्रेशन वन बाई टू से लेके वन तक एक्स इंटू कॉस पाई एक्स का मॉड डी एक्स। अब आप हमें बताएं क्या इसमें मॉड लगा हुआ है तो जीरो से लेके वन बाई टू तक ये भी पॉजिटिव होगा। तो टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू वन बाई टू एक्स इंटू कॉस पाई एक्स सिंपल बाहर। इसमें देखिए इसमें एक्स तो पॉजिटिव है तो दोनों प्रोडक्ट में है तो कॉस पाई एक्स निगेटिव है वन बाई टू से लेके वन तक में क्योंकि वो जाएगा पाई बाई टू से लेके पाई तक। एक्स यदि वन बाई टू से लेके वन तक जा रहा है तो तुम्हारा पाई एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई टू से लेके पाई तक। इसमें हम जानते हैं कि कॉस हमारा पाई बाई टू से अगर पाई तक जाता है तो वो नेगेटिव होता है तो इसमें हम माइनस के साथ बाहर करेंगे तो माइनस ऑफ वन बाई टू वन और मॉड माइनस के साथ खुला, ठीक है जी। समझ में आया ये बात? अब आप बाई पार्ट लगा दो, अब हाँ इसमें अगर बाई पार्ट लगाओगे तो आप इस पाई एक्स को क्या मान लोगे, कॉस पाई एक्स को सेकेंड फंक्शन, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन कर देते हैं, दो मिनट लगेगा, दिक्कत क्या है। तो अब जरा बताओ ये दो तो दोनों में जाएगा ना, ये दो इसमें भी जाएगा, ये भी ध्यान रखो। अब बताओ क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ और यह बताओ फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन बताओ साइन पाई एक्स बाई पाई, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डी सी वन और ये हो गया आपका साइन पाई एक्स बाई पाई, है ना। और पूरा पे लिमिट अभी देना है हमारा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से हाफ तक। और फिर अगला बताइए माइनस टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन तो वो एक्स कॉस पाई एक्स का ही होना है, बस लिमिटिंग वेरिएबल चेंज होगा, तो ये कितना होना है एक्स इंटू साइन पाई एक्स अपॉन पाई और माइनस इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिटिंग वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक, वन बाई टू से लेके वन तक। अब जरा बताइए कि यहाँ तो हो गया आपका टू एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई माइनस इसका इंटीग्रेशन बता दो आप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर, ये जीरो से लेके वन बाई टू तक, फिर माइनस अंदर भी भेजते रहो और इंटीग्रेशन भी करते रहो तो माइनस टू एक्स, अच्छा ये वाला टू इसमें छूटा है इसमें भी डालना पड़ेगा और ये टू जब जाएगा तो टू एक्स इंटू साइन पाई एक्स अपॉन पाई, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा बताओ, माइनस साइन पाई एक्स होगा ना बाई पाई स्क्वायर, बोलो। तो ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन इसके इंटीग्रेशन के चलते वो माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन पाई एक्स बाई सॉरी कॉस पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर और ये टू टाइम्स रहेगा। इसमें लिमिटिंग वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक डालना, इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो ये प्लस कर सकते हो और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक तो वन बाई टू से लेके वन तक। अब क्या हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके आंसर तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं तो इतना पे ही छोड़ दें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यही है ना जी किंगसुक? चलो आप देखो, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप साथ में जो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ और मेरी बातों को समझते हुए आगे प्रिंट करते जाओ, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी तो आप समझते ही हो। अब ज़रा आप हमें बताएं कि क्या हम लोग इस साइन, जैसे साइन का पावर 4x लिखा हुआ है, क्या हम लोग उसे ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं? फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लीजिए। यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स अपॉन, ये हो जाएगा, देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी में भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, ये ए प्लस बी हुआ, और माइनस टू इंटू ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या सही है? बोलिए। yes, अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये वन हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा बताइए, इसको साइन टू एक्स बनाने के लिए हमें एक और टू की ज़रूरत है? yes, तो अगर हम दो से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, तो टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका टू माइनस, और ये टू से जब मल्टीप्लाई होगा तो तुम समझ सकते हो कि ये फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो लिख सकते हैं टू साइन, सॉरी साइन टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब जरा आप हमें बताइए कि ये तो हो गया साइन टू एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर टू एक्स से ऊपर का डीसी टाइप जनरेट हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला का, ऊपर वाला किस चीज का डीसी है? अगर हम पूछे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किस चीज का डीसी है, तो वो है आपका किस चीज का जी? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का है क्या? साइन एक्स का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस, फिर कॉस एक्स का डीसी हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ठीक तो है? तो आप इसको टी पुट कर दो, क्योंकि ऊपर डीसी की तरह इसको यूज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका डीसी कॉस एक्स और ये प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये हुआ कि क्या हम लोग साइन स्क्वायर टू एक्स को क्या करें, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से। हाँ हाँ बिल्कुल, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो साइन टू एक्स टाइप आता है, ये हमको पता है, तो जब साइन टू एक्स टाइप आता है तो उसको यूज करते हैं ना। तो अब ज़रा मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जो टी माने हो उसमें स्क्वायरिंग कर दो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब जरा बताओ, ये तो वन हो जाएगा, तो वन माइनस साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो जरा बताओ आप हमें साइन टू एक्स का वैल्यू वन माइनस टी स्क्वायर होगा? बोलिए, साइन टू एक्स का वैल्यू वन माइनस टी स्क्वायर होगा ना?
बोर्ड बिल्कुल ब्लर होगा ना एकदम। 16 KB स्पीड दे रहा है यार इधर। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, जरा बताओगे आप हमें इंटीग्रेशन। और यहाँ पे देखो 2 होगा और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स जो है पूरा डी टी में कन्वर्ट होगा और डिवाइडेड बाई ये 2 रहेगा और माइनस साइन स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है जी, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे जो है अगर इसको ब्रेक कर दोगे तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा और बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो क्योंकि इसमें लीनियर टर्म भी रहेंगे क्योंकि 2ab भी तो करोगे कि नहीं रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab नहीं रहेंगे तो आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड वाला प्रॉपर्टीज लगा सकते हो अगर इसको ब्रेक करो तब। चलो उसको देखते हैं, वैसे एक मेथड और है मेरे पास 2dt अपॉन ये 2 और ये कितना हो जाएगा -1 और माइनस टी टू द पावर 4 और प्लस 2t स्क्वायर। क्या ये सही है, बोलिए। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2dt अपॉन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और ये होगा +1 एक्चुअली तो -1। सही है जी, बोलिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आप क्या करो, अब आप टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 × 1/t² dt अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 होगा सॉरी माइनस 2 होगा और माइनस 1/t² होगा। सही है ना। अब ये इंटीग्रेशन आ चुका है एक्चुअली, हमने सही किया है ना कैलकुलेशन, तो 2 × 1/t² dt अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर -1/t² और -2। ये तो उस फार्मूला पे तो बनेगा नहीं क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए ना किंगसुक। ट्विंस नहीं लग पाएगा तो एक काम करते हैं, इसको यहीं से हम दूसरे तरीका से बनाते हैं जहाँ पे जो ट्विंस लगाने का कोशिश कर रहे थे, यानी कि आप स्टेप याद रखो 2dt जहाँ पुट करके आया था 2dt अपॉन 2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हम लोग इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो 2dt और नीचे √2² − 1 − t² का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का मतलब a प्लस बी यानी कि 1 − t² इन टू में क्या लिखना है आपको a माइनस बी तो √2 है ना और 1 − t² जरा इस माइनस को ब्रेक कर दो ब्रैकेट को तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2dt अपॉन √2 + 1 − t² और अगला हो जाएगा √2 − 1 + t². ये समझ में आया लाइन? अब जरा समझो कि ये जो डिनोमिनेटर दो पार्ट में बटा है, हमेशा डिनोमिनेटर को कम करने के लिए ऊपर वाले को डिफरेंस फॉर्म में ऐसा लिखना चाहिए ताकि ये वाला और ये वाला भी आ जाए और साथ में 2 भी आए, मतलब कट पीट के 2 आ जाए डिफरेंस फॉर्म जो हम लोग हमेशा जनरेट करते थे। तो यहाँ पे जरा आप बताओ क्या इसमें से अगर इसको घटाएंगे या सिंपल जोड़ देंगे, जोड़ने से काम बन जाएगा क्या?
जोड़ने से काम बनेगा कि नहीं बनेगा ये पहले बताइए। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गायब होगा, वन से वन गायब होगा और वो टू रूट टू आएगा, आएगा ना? सुन पा रहे हो मुझे? तो वो टू रूट टू आएगा। तो हमने बोला कि इस टू को जनरेट इन दोनों के डिफरेंस फॉर्म से या एडिशन फॉर्म से करना है। तो अगर दोनों को अलग अलग हम ऊपर जोड़ें तो ये देखो टी माइनस टी स्क्वायर से प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल होगा, टू रूट टू आएगा। तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है जोड़ने से? दो लाना है, जबकि आ क्या रहा है? तो रूट टू प्लस वन माइनस टी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में ये लिख दिया और प्लस में अगला ब्रैकेट में हम रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन माइनस सॉरी प्लस टी स्क्वायर कर रहे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, आप खुद सोचो, इन दोनों को ऐड किया जाए तो बेसिकली आएगा क्या? बोलो, इन दोनों को ऐड करोगे तो बेसिकली आएगा क्या? तो हमको टू चाहिए, तो हम क्या वन बाई रूट टू से डिवाइड कर दें? हम लोग वन बाई रूट टू से डिवाइड कर देते हैं, तो रूट टू कट जाएगा और टू बच जाएगा, टू ही लाना था। और नीचे जो है वो कहानी लिख देंगे, रूट टू प्लस वन माइनस टी स्क्वायर इन टू में है नीचे, बस ऊपर एडिशन में है। तो जरा सोचो, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया ना। अब हम क्या लिख देंगे? वन बाई रूट टू, और इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कटेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो वन बाई रूट अंडर टू माइनस वन प्लस टी स्क्वायर, और अगला में डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कटेगा, ये वाला बचेगा। वन बाई रूट अंडर टू प्लस वन माइनस टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन अभी बाकी है, पता है ना? हमने अभी फंक्शन को ही चेंज कर रखा है, इंटीग्रेशन अभी किए ही नहीं है। अब जरा बताओ, क्या इंटीग्रेशन किया जा सकता है? देखना जरा ध्यान से, कैसे किया जा सकता है। वन बाई रूट अंडर टू माइनस वन का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये रूट टू माइनस वन पहले से था, सॉरी रूट टू माइनस वन पहले से था, इस पे रूट लगा के स्क्वायर कर दिए, आप प्लस टी स्क्वायर कर दिए, प्लस इंटीग्रेशन पहले से यहाँ पे वन बाई अंडर रूट टू प्लस वन था, इस पे फिर पूरा पे रूट लगा के स्क्वायर कर दिए और माइनस टी स्क्वायर तो कर ही दिए। लिख लेना, जगह नहीं है, आई होप तुम लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, अब जरा बताओ, यहाँ पे टेन इन्वर्स वाला फार्मूला लगेगा और यहाँ पे दो फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, जो कि वन बाई ए टेन इन्वर्स एक्स बाई ए होता है, और एक लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो होता है वन बाई टू ए इंटू एल एन ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। सही है जी, बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो अब जरा बताओ आप कि इसका इंटीग्रेशन हम इधर कर देते हैं, इसको मिटा सकते हैं ना? पहला दूसरा लाइन मिटा सकते हैं भाई, आवाज नहीं जा रहा क्या मेरा? बोलते रहो। तो ये वन बाई रूट टू बाहर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? वन बाई ए। तो वन बाई ए का मतलब हो गया अंडर रूट टू अंडर रूट माइनस वन इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स की जगह पे आपका टी हो जाएगा और बाई ए के जगह पे आपका रूट अंडर ऑफ रूट अंडर टू माइनस वन। फिर प्लस है, ये वन बाई रूट टू सब में कॉमन है, याद रहे ये वन बाई टू ए होगा, तो वन बाई टू इंटू ए का नाम रूट अंडर टू माइनस वन एल एन ए प्लस एक्स। तो ए प्लस एक्स का मतलब क्या होगा जरा बताओ? ए का मतलब रूट अंडर ऑफ रूट अंडर टू माइनस वन, और प्लस एक्स का मतलब प्लस टी, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ अंडर रूट टू माइनस वन प्लस माइनस टी। अब टी क्या पुट किए थे याद है तुम्हें कुछ?
टी को क्या पुट, यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, आंसर हो जाएगा ना, समझ गए ना, लिख लोगे ना आप तो, यहाँ पे भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन इतना, आगे कर लोगे प्रोसीड, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो अगला एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है एक और किंगसुक का, वो है इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन वन माइनस अंडर रूट ए एक्स डी एक्स, यही है ना। yes, यहाँ देख लो तो ए एक्स नहीं ना है, कन्फर्म हो, देख लो, देख के बताओ। yes, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस दिख रहा है क्योंकि अंडर रूट में है ये क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में है। अगर ये पूरी क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती तो क्वेश्चन फिर भी आसान था, लेकिन ये न्यूमरेटर में नहीं है, ये है डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले क्या करो कि अपने टेंशन को फ्री करने के लिए इसको टी मान लो, इसको टी मान लो, क्योंकि ये सिंपल अब टी किधर दिखेगा, अंडर रूट वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब आप हमें बताओ कि इसको टी मानोगे तो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसका जीरो, इसका माइनस, अंडर रूट ए एक्स का क्या होता है जी इंटीग्रेशन, अंडर रूट एक्स का होता है ना, बताओ, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ किंगसू, किंगसू, अरे यार क्लास ले रहे हैं संदीप, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, नहीं नहीं क्लास ले रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स का डीसी बताओ, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस वन बाई टू रूट एक्स की वन बाई रूट टू एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, तो उसी तरह से अगर हम इसका पूछे तो इसका क्या होगा, सबसे पहले रूट फंक्शन का करो, तो रूट फंक्शन क्या होगा, वन बाई टू रूट अंडर ए एक्स, फिर अंदर जाओगे तो ए एक्स मिलेगा, तो एक्स का डी सी ए होगा, फिर एक्स का डी एक्स क्या, हाँ सॉरी, ठीक है ना। अब क्या बात कर रहे हो, हम गलत, तुम गलत करवा रहे हो, ये रूट थोड़ी होगा, ठीक तो है, क्या गलती है ये, पहले हमने रूट फंक्शन का किया तो वन बाई टू रूट ए एक्स आया, फिर अंदर गए तो ए एक्स का होगा ए, फिर एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जरा आप हमें बताओ कि आपने यहाँ से रूट ए एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, रूट ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, वन माइनस टी, यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस टी आ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बराबर अगर लिखना चाहें तो माइनस टू बाई ए, माइनस टू बाई ए इंटू 1 माइनस टी होगा क्या डी टी, बोलिए। चलिए बढ़िया है,
अब और अगर हम यहाँ से तुमसे पूछे कि अगर रूट अंडर एक्स का वैल्यू 1 - t है तो ऊपर का वैल्यू जो है क्या आने वाला है, ऊपर का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस dx के जगह पे तो हम लिख देंगे माइनस माइनस ऑफ 2/a और कितना 1 - t और dt, ये dx की जगह पे हुआ। नहीं चाहे एक काम करो, पहले dx के जगह पे बाद में रखेंगे, इसको पहले रखते हैं। ये रूट अंडर ए ही रहेगा और माइनस रूट अंडर एक्स क्या आएगा यहां से, जरा बताओ आप। वन माइनस टी बाई रूट अंडर ए, सही है। ऊपर का कहानी खत्म, नीचे की कहानी क्या लिखोगे आप, 1 - √x को t डायरेक्ट लिखोगे और dx की कहानी क्या लिखोगे आप। माइनस यहाँ से 2/a और 1 - t, क्या ये सही है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए। कौन समझ गई, मतलब सही है ना, कहीं गलती हमने नहीं नहीं किया है। अब जरा एलसीएम वगैरह लो इसका, तो माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए माइनस 1 + t और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए, सही है। टू डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 - t, क्या ये सही है, और अपॉन में t। अब जरा सोचो कि कांस्टेंट जो दिख रहा है वो बाहर कर लो, क्या तुम्हें दिख रहा है कि -2/a का पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से a का पावर 1/2 और यहाँ से 1, तो a का पावर 3/2 बाहर हो गया। अब ऊपर में ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, एक्चुअली लिख लो, पहले आप लिख लो a माइनस इसमें कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा जी, 1 - t बचेगा और ये 1 - t, सही है, बोलो ना। अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2/a का पावर 3/2, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा बताओ, a - at a का हो गया, फिर माइनस 1 - t का 1 - t क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - t का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर + t स्क्वायर - 2t और डिवाइडेड बाय t। अब मल्टीप्लाई कर लो माइनस का, तो यहाँ से क्या आने वाला है जरा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ -t स्क्वायर, यहाँ पे अपना रहेगा -2/a का पावर 3/2, जरा बताओ आप हमें, -t स्क्वायर आएगा और यहाँ से देखो यहाँ से 2t प्लस में होगा तो +2t और -at और यहाँ से आपका -1 और +a, तो -1 + a और डिवाइडेड बाई टी। अब टी से बारी बारी डिवाइड करो, -2 का पावर a/3/2, यहाँ से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन -t, फिर +2 - a और इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये एक्चुअली हो जाएगा 1 - a/t, सही है, 1 - a/t, -2 का पावर 2/a का पावर 3/2, -t का इंटीग्रेशन कितना होगा, -t² / 2, +2 का क्या होगा 2t, -a का क्या होगा at और -1 - a बाहर और 1/t का क्या हो जाएगा जी, ln t, और जो t पुट किए थे उसको डाल दो। t क्या पुट किए थे उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर देना है, समझ में आया क्या।
समझ में आया ना? चलिए थैंक यू। अब एक और क्वेश्चन तुम्हारा था, उसको भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव वाला तुम दिए थे, उसके बाद एक शिवांगी का क्वेश्चन है, मिटा दे इसको, ऊपर वाला तो मिटाना ही, नीचे वाला का याद रखना कि जब डिस्टर्बेंस कोई कर रहा है उसी को टी मान दो, जो भी डिस्टर्ब कर रहा है उसी को टी मान दो, यही थ्योरी है। जब कुछ ना समझ में आए तो ऐसा कर देना चाहिए, करके देखो। एक क्वेश्चन है कि द डेरिवेटिव ऑफ, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब, वन बाई लॉग ऑफ एक्स टू द बेस लॉग ऑफ टी टू द बेस ई डी टी, जहाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इज, इसका चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, माने कि देखो जरा, चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है तुम्हारा इसका 1/3 ln x, दूसरा ऑप्शन है 1/3 ln x और -1/2 ln x, और सी ऑप्शन है तुम्हारा ln x^-1 (x)-1, और डी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्रॉप करके भेजे थे। तो बिल्कुल, सबसे पहले एक बात सुनो कि जब डेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पूछता है तो इसमें लेवनिस थ्योरम लगता है, और लेवनिस थ्योरम क्या होता है पहले उसको समझो, ठीक है ना? अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे रहे एफ ऑफ टी फंक्शन, और यहाँ पे रहे मान लो आपका जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे रहे आपका एच ऑफ एक्स, और ये मान लो तुम्हारा कोई के एक्स फंक्शन है ना, के एक्स फंक्शन है, तो अगर डिफरेंशिएशन चाहिए तुमको के डेस एक्स, तो लेवनिस थ्योरम लगता है, उससे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। आप कहोगे कि लेवनिस थ्योरम क्या है, तो लेवनिस थ्योरम जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉरी क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम इसका प्रूफ देते हैं, ठीक है? क्योंकि आफ्टर इंटीग्रेशन उसको डिफरेंशिएशन करना है, तो वहाँ से ही उसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है। तो अभी वो फॉर्मूला क्या है, वो थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझो। कुछ नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये जो डिफरेंशिएशन कर रहा है उसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल ही नहीं है, इस एच एक्स को टी के जगह पे पुट कर दो, जहाँ भी टी है उसके जगह पे अपर लिमिट को पुट कर दो, यानी एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, फिर इनटू ये जो ऊपर वाला था उसका डिफरेंशिएशन एच डेस एक्स, फिर माइनस इस लोअर लिमिट को इस टी के जगह पे पुट करो, एक्स भी रहता ना तो एक्स के जगह पे ही वो पुट कर देते, क्योंकि अब जरा सोचो कि ये एफ टी डी टी रहे चाहे एफ एक्स डी एक्स रहे, बात तो एक ही है, बस ध्यान रहे कि टी इसलिए बताया गया आपको ताकि टी दिखाई देगा आपको, तो ये एक्स से वेरी नहीं कर पाएगा, तो ये पुट करोगे जब तो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पुट कर दिए, और फिर जी एक्स का डी सी जी डेस एक्स, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। यही है लेवनिस थ्योरम, कि जहाँ पे भी ये डी टी है मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल, वही टी मान लो और अपर लिमिट को इसमें पुट करो एज इट इज, और फिर इनटू में ऊपर का डी सी एच डेस एक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करो और फिर एफ जी एक्स हुआ, और फिर लोअर लिमिट का डी सी जी डेस एक्स। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? अब उसी तरह से ये इंटीग्रेशन है, अब ये इंटीग्रेशन में कुछ फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब है, और वन बाई इसे हम लोग एल एन टी लिख सकते हैं क्या, बेस अगर ई है तो। अब इसको क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है बताइए, पुट करते हैं ना, पुट
तो 1 बाई ln ऑफ एक्स क्यूब और इंटू ऊपर वाला का dc, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करो, 1 बाई ln एक्स स्क्वायर और उसका dc 2x। समझ में आया क्या? बोलिए, हो गया कहानी। अब इसी को रीअरेंज करके आपको फॉर्मूला में मिलाना है। तो आप जरा सोचो कि कभी भी एक्स क्यूब टाइप दिया है, एक्स स्क्वायर टाइप दिया है ln में कोई भी ऑप्शन में, तो आप कॉमन ले लो। कैसे बाहर करते हो? आर्गुमेंट पे जो पावर रहता है वो बाहर आ जाता है। 3 ln x माइनस 2x अपॉन, ये कितना हो जाएगा बोलो? 2 ln x, ये 2 से 2 कट गया। अब LCM कितना होगा? 3 ln x इंटू 3 ln x, सिंपल। तो 3 ln x होगा तो ऊपर हो गया का, अच्छा ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो ln x LCM हो गया आपका, कितना हो जाएगा ऊपर? एक्स क्यू माइनस एक्स। तो अब जरा देखो कि ये ln x का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसमें से अगर x कॉमन ले लें तो ये x स्क्वायर माइनस 1। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये एक्चुअली 3x स्क्वायर था ना, नहीं समझे? ये x स्क्वायर था, अब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा इंडिकेट कर रहा है? सी ऑप्शन ना, ln x का पावर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। समझ में आ गया? एक शिवांगी का क्वेश्चन है, उसको भी ले ही लेते हैं। है इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 1 तक x माइनस एक्स क्यूब का पावर, x माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 dx और अपॉन में लिखा हुआ है x का पावर 4, और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन हमें पता नहीं है क्योंकि वो दिया ही नहीं, आपने क्रॉप करके भेजा है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है। सबसे पहले तो पावर 1/3 दिखाई दे रहा है तुम्हें, उसका टेंशन अलग। एक्स का पावर 4 डी एक्स। शिवांगी सुन पा रही हो? Yes, sir. सबसे पहले ये पावर 1/3 है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक काम करो, इसके अंदर से सबसे पहले ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इसी को आप क्या मान लो, टी टाइप मान लो, इस पूरे को अंदर वाले को, वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हम उसको टी मान लेंगे। या फिर आप ऐसे सोचो कि इसमें से सबसे पहले अंदर से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, अंदर ही अंदर, या एक्स क्यू कॉमन ले लो। एक्स क्यू कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ये माइनस 1 और इस पे होल पावर 1/3 और नीचे एक्स का पावर 4। अब जरा सोचो कि ये जब बाहर आएगा होल के पावर 1/3 से तो एक्स आएगा ना? क्योंकि ये 3 से कटेगा, इस पे पावर 1/3 रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन अभी भी रहेगा 1/3 से लेके 1 तक, और ये कितना हो जाएगा जरा बताओ आप हमें? एक्स इंटू 1x² माइनस 1 का पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। ये इससे कटेगा बोलो? इंटीग्रेशन 1/3 से 1 तक ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा?
अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे। आई होप कि तुम समझ गए होगे। डायरेक्ट 1/x² - 1 को t मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है नीचे में 1/ में, तो dc होगा ही बिल्कुल। तो ये सब चमकना चाहिए कि इसको जैसे ही आप t मानोगे इसका dc करोगे, एक्चुअली ये होगा x^-2 - 1 at t। तो जब dc करोगे तो ये -2 × x^-2 - 1 यानी कि -3 आ, इसका dc 0 और dx बराबर dt। अब जरा देखो ध्यान से कि dx का वैल्यू क्या हो गया, -1/x³ एट सॉरी ये ऐसे देखो -2 को उधर भेज दो तो 1/x³ और dx का वैल्यू -1/2 और dt। समझ में आया क्या? ये 1/x³ dx के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1/x³ dx के जगह पे -1/2 dt और इसके जगह पे t। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जरा बताओ, -1/2 dt और ऊपर में कितना आएगा जरा बताओ आप हमें, कितना 1/3 ना। अच्छा नहीं, इंटीग्रेट अभी ना करो, इंटीग्रेट अभी ना, 1/3।